हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओ फूड विद मिश्री। हमारे महाराष्ट्र के अंदर सबसे फेमस नाश्ता है कांदा पोहा, और इसमें हम आलू डाल दें तो यह बन जाता है कांदा बटाटे पोहा, ये भी आप बोल सकते हैं। जहाँ पे कांदा इज ऑनियन, बटाटा इज पोटैटो एंड पोहे इज फ्लैटेड राइस। सो लेट्स मेक कांदा पोहा। कांदा पोहा के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे 2 कटोरी पोहा। सबसे पहले पोहा को वॉश कर लेंगे, सोक नहीं करना। इसमें डालेंगे पानी और पोहा को अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सब कट कर लिया है, प्याज, टमाटर, मिर्ची, हरा धनिया, स्प्रिंग ऑनियन और थोड़े से कड़ी लीव्स को भी मैंने कट कर लिया है। 2 आलू को भी मैंने कट कर लिया है। थोड़े से मूंगफली और थोड़े से तुअर के दाने लिए हैं। गैस ऑन करेंगे हाई फ्लेम पर और कढ़ाई रख देंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 से 2 टीस्पून ऑयल। हम इसे लाइटली फ्लप अप कर लेंगे स्पून की मदद से। 2 ग्रीन चिली फ्राई करके लेना है प्लेटिंग के लिए। सबसे पहले हम मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 से 3 टीस्पून मूंगफली ली है और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद तुअर के दाने को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून सरसों, इट्स क्रैकलीन। अब जाएगा 1/2 टीस्पून जीरा एंड इसके बाद ऐड होगा आलू और हम इसको अच्छे से चला लेंगे। आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली और इसको अच्छे से चला लेना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे ऑनियन। ऑनियन को चॉप नहीं करना, स्लाइसेस में कट करना है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। बिकॉज हम कांदा पोहा बना रहे हैं तो ऑनियन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। इसके बाद हम ऐड करेंगे कड़ी लीव्स। कड़ी लीव्स का तो एक अपना ही स्मेल और टेस्ट होता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे चॉप टोमेटो, आप लोग ऐड कर सकते हैं और जिनको नहीं पसंद वो लोग स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले हम 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे एंड इसके बाद हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से 2 से 3 मिनट पका लेंगे। अब हम ऐड करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पोहा और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम चम्मच की सहायता से जेंटली लिफ्ट इट एंड ड्रॉप इट। हम ऐसे ही 1 से 2 मिनट चलाते रहेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़े से तुअर के दाने, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है ना, इसीलिए। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी मूंगफली जो हमने स्टार्टिंग में ही फ्राई करके ली थी। अब हम इसको जेंटली लिफ्ट कर देंगे और इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी हरा धनिया। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं ऐड करूँगी स्प्रिंग ऑनियन और कांदा पोहा डन। अब हम करेंगे प्लेटिंग। प्लेटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने प्लेन प्लेट ली है। इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच पोहा और इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। अब हम करेंगे गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए मैंने ऑनियन का एक स्लाइस लिया है, उसको मैंने सेंटर में सेट कर दिया है। जस्ट उसके साइड में मैंने लेमन का भी एक स्लाइस लिया है, उसको भी मैंने सेट कर दिया है। स्टार्टिंग में मैंने ग्रीन चिली फ्राई की थी, उसको भी मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन ऊपर से डाल दूँगी और कांदा पोहा रेडी है। Thank you for watching. Likes, comments, and subscribe to my channel. Bye bye.